हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रेपायर्स मेरा नाम है मयूरी भागवानी आज है ट्वेल्थ ऑफ नवंबर आज का द हिंदू न्यूज़पेपर हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं तो ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले Uh, आज के टॉपिक्स जी एस वन में वी हैव नथिंग फॉर टुडे जी एस टू में हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज में से यू ए पी ए के बारे में आई आर में हम देखेंगे अनडिफाइंड रूल दिस इज एन आर्टिकल अबाउट इंडियाज इंगेजमेंट इन अफगानिस्तान सो विल बी लुकिंग इन टू इट देन बेलारूस ई यू इशू में देखेंगे कि वाई देर इज अ माइग्रेंट इशू बिटवीन बेलारूस एंड ई यू एंड वॉट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द जियो पोलिटिक्स ओके देन जी एस थ्री में हम देखेंगे इकोनॉमी में से डिमोनिटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था आज उसका इम्पैक्ट क्या है ये देखेंगे यहाँ पे एनवायरमेंट में देखेंगे हम क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में एंड एक एडिटोरियल है रिगार्डिंग सीजन ऑफ फ्लड्स तो तमिलनाडु चेन्नई वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गई हैं तो उसके रिगार्डिंग एक एडिटोरियल है इसको डिस्कस करेंगे जीएस फोर में वी विल बी लुकिंग इन द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ हम यहाँ पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं यू एन एफ सी सी के कॉप ट्वेंटी सिक्स के बारे में आई होप आप सभी को ऑलमोस्ट आप सब कुछ पता होगा अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो नहीं पता तो फिर भी एक बार सुन लो इंडिया ने यहाँ पे कॉमेंट कमेंट किया है कि हम यहाँ पर कुछ पांच टारगेट्स को फुलफ़िल करेंगे इसको इंडिया ने कहा है पंचामृत पंचामृत टारगेट्स हमने इसको कहा है इसमें पांच टारगेट्स हैं कौन कौन से पहला कि हम यहाँ पे अपनी एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको नॉन फसल फ्यूल्स की जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी है इसको फाइव हंड्रेड करेंगे बाई ट्वेंटी थर्टी कहा है कि बाई ट्वेंटी हमारी जो टोटल जो एनर्जी कैपेसिटी है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम शिफ्ट करेंगे यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज देन तीसरी चीज़ कही है कि हम यहाँ कार्बन इमिशन को एक बिलियन टन तक कम करने की कोशिश करेंगे बाय 2030 चौथी चीज़ यहाँ पे कही है कि कार्बन इमिशन इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज़ अ मेन वर्ड हियर कार्बन इम्यूजन इंटेंसिटी को हम कम करने की कोशिश करेंगे बाय 45 फाइव परसेंट बाई ट्वेंटी ठीक है इसके अलावा लास्ट चीज़ ये कही गई है कि कार्बन न्यूट्रल होने की हम कोशिश करेंगे नेट जीरो इम्यूजन करने की हम कोशिश करेंगे बाई ट्वेंटी सेवेंटी नाउ वॉट इज दिस नेट जीरो इमिशन नेट जीरो इमिशन का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ जितना आपने कार्बन प्रोड्यूस किया है वाया योर इंडस्ट्रीज वा योर व्हीकल्स एक्सेट्रा उतना ही आप यहाँ से एटमोस्फियर से इसको निकालोगे वाया कार्बन सिंक्स ओके या तो आप यहाँ पे अफॉरेस्टेशन करो या फिर अपने कार, कार्बन सिंग्स को बढ़ाओ कैसे भी बढ़ाओ दैट डजेंट मैटर लेकिन 2070 तक हमको यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल करना है मेजरली थ्रू अफॉरेस्टेशन ओके तो ये पांच हमारे टारगेट्स है लेकिन ये टारगेट्स को अचीव करना इतना आसान नहीं होगा हमने पहले भी डिस्कस किया कि पहले इंडिया रेडी नहीं था इस नेट जीरो अमेशन के लिए कोई कमिटमेंट देने के लिए लेकिन इंडिया को देनी पड़ी अंडर द प्रेशर ऑफ यू एस यू लेकिन यहाँ पर इंडिया ने चलिए एक चाल समझ सकते हो आप इसको कुछ भी बोल दो ठीक है एक डिप्लोमेटिक एफर्ट uh, बोल सकते हो आप कि ये बोला है इंडिया ने कि हम इन पंचामृत टारगेट्स को जो कि हमारे एनडीसी हैं एन इज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि हमने इसको वॉलेंटरीली डिसाइड किया है टारगेट अपने लिए सेट किया है ठीक है हम इन एनडीसीज को फॉलो अप करेंगे जब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस को हमारे पास प्रोवाइड करेंगी क्लाइमेट फाइनेंसिंग अगर वो करती हैं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ टू मिटिगेट द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तब ही यहाँ पे हम इन एनडीसी को पूरा करेंगे तो यहाँ पे ये यह कहा है कि क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पे क्या एक स्पेसिफिक अमाउंट तो हो तो यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि एक ट्रिलियन डॉलर इतना अमाउंट जब डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पे मोबिलाइज़ करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो हम भी अपने एनडीसी को पूरा करेंगे अब देखो आपको पता है कि ये जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात है ये 2009 से चली आ रही है 2015 में पेरिस क्लाइमेट पैक्ट के टाइम पे भी इसकी बात हुई थी 2020 से तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग को इम्प्लीमेंट करना चालू करना था लेकिन अभी तक तो हुई नहीं है तो एक तरह से इसको डिले किया जा रहा है ओवर द टाइम तो ऐसे चांसेज हैं कि आगे भी डिले होगी तो उसमें इंडिया एक तरह से ओब्लीगेटेड नहीं रहेगा टू फॉलो दीज पंचाम टारगेट्स ठीक है तो हालांकि हमारी गुडविल यही है हमारा यहाँ पे एक सॉफ्ट पावर हमने इसी तरह बनाई है कि हाँ चलो ठीक है हम भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे इन टारगेट्स को फुलफिल करने में हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे लेकिन उसके बदले आप भी हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग कीजिए ठीक है तो ये पूरा इशू था छोटा सा इशू है यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट ओके आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट एफआईआर तो देखो यहाँ पे त्रिपुरा में कम्युनल वायलेंस हुई थी उसके अगेंस्ट जो पुलिस है इन्होंने कई सारे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट कई सारे सोशल एक्टिविस्ट के अगेंस्ट यहाँ पे आ, क्या किया है यहाँ पे इन्होंने यू एक्ट लगा दिया है इन सभी के ऊपर ठीक लग है लगभग 102 केसेस बने हैं यू एक्ट के यू क्या है भाई यू UAP है यू है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ठीक है तो ये सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर के चार्जेस पे इनके ऊपर लगाए गए हैं ओवर द जर्नलिस्ट ओवर द एक्टिविस्ट और इनको एक्यूज़ किया गया है कि आपने क्रिमिनल कॉन्स्परेसी की है ठीक है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यू ए यू एक्ट जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है ये 1967 का एक्ट है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अब ये देखो इसका बैकग्राउंड समझो ये क्यों लाया गया सबसे पहले नाइनटीन में काफ़ी ज़्यादा सेशनिस्ट टेंडेंसीज जो थी वो बढ़ रही थी इंडिया में ठीक है इसके लिए एक स्टैंडर्न लॉ की ज़रूरत थी 1967 के आसपास एक नक्सलबाड़ी पीज़ अपराइजिंग आ गई थी जिसके बाद नक्सलवाड़ी जो नक्सलवादी एरियाज़ का जो डेवलपमेंट होने लगा रीजन बढ़ने लगे नक्सलवाड़ी रीजन्स जो थे नक्सलिज्म बढ़ने लगा इंडिया में ये इसके बाद ही हुआ था ठीक है तो नक्सलबाड़ी जब पीज़ अपराइजिंग हुई उसके बाद समझ में आया कि नहीं अब तो बहुत ज़्यादा दर ज़रूरत है इस सेशनस टेंडेंसीज़ को कम करने की ख़त्म करने की तो यहाँ पर नाइनटीन में एक ऑर्डिनेंस लाई गई जो कि थी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इस एक्ट के इसमें ये देखो ये ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया था फिर 1967 में इसको एक्ट में कन्वर्ट कर लिया गया अब ये एक्ट क्या बोलता है ये एक्ट जो है ये एसोसिएशन या बॉडी को डिक्लेयर करता था एज अनलॉफुल ऑन वॉट बेसिस ऑन द बेसिस कि इनकी एक्टिविटीज़ जो है या तो वो सिसेशन लाना चाह रही हैं या फिर कंट्री की सॉवरिनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही हैं तो समझना ये चीज़ कि जब नाइनटीन में ये लॉ आया था तब इसके अकॉर्डिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या थी कि एक तो आप सेशनिस्ट टेंडेंसीज को कैरी आउट करो दूसरा आप सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हो इंडिया की ये थी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ओवर द टाइम इसका जो दायरा है वो बढ़ा ठीक है इसमें फिर बाद में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया गया ठीक है नेशनल सिक्योरिटी को भी शामिल किया और ये सारी चीज़ें हुई इसमें ठीक है अब देखो यहाँ पे एक्ट जो है यहाँ पे जो ये एक्ट है ये एब्सोल्यूट पावर देता है किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी एक्टिविटी को अनलॉफुल मानती है उसके अंतर्गत ये यह यहाँ पे चार्ज कर सकती है यू एक्ट ओवर द पर्सन ओवर द बॉडी अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पर शुरुआत में ये यह बॉडी यहाँ एसोसिएशन को ही यहाँ पर अनलॉफुल डिक्लेयर होता था यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत लेकिन टू थाउजेंड के अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन को नहीं इंडिविजुअल्स को भी अनलॉफुल यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है और उनके ऊपर यहाँ पे प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है अंडर यूएपीए, ओके अच्छा देखो यहाँ पे बेल मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है यूएपीए में यहाँ पे बेल इस आधार पे भी रिफ्यूज की जा सकती है जब आपका जो केस है वो प्राइमा फेसी ट्रू दिख रहा है इसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती ठीक है और जो एक्यूज कैन नॉट सी एंटीसिपेटरी बेल एंड इन्वेस्टिगेशन पीरियड जो है वो वन एटी डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है ठीक है तो यहाँ पे वर्चुअली देर इज़ नो चांस ऑफ गेटिंग बेल और आगे बात करते हैं इसके कुछ की प्रोविजंस देख लो तो देखो पनिशमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है वो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक हो सकती है मतलब कि बहुत ही सीरियस लॉ है ये ठीक है इसमें इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों ही चार्ज किए जा सकते हैं चाहे फिर वो काम इंडिया में हुआ हो एक्टिविटी इंडिया में कैरी आउट हुई हो या बाहर कैरी आउट हुई हो चार्जशीट की बात करें ना देखो चार्जशीट जो है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये 180 डेज़ में मैक्सिमम 180 डेज़ में यहाँ पे चार्जशीट फाइल कर सकती है उस एक्टिविटी के होने के 180 डेज़ में लेकिन अगर कोर्ट कह दे तो उसके आगे एक्सटेंड भी हो सकता है ये टाइम ठीक है मतलब 180 डेज़ के बाद भी चार्जशीट फाइल हो सकती है 2004 का जो अमेंडमेंट आया था इसमें टेररिस्ट एक्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में 2019 का जो अमेंडमेंट आया उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन uh, को नहीं इंडिविजुअल्स को भी डेजिग्नेट करने लगे हम एज टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर अनलॉफुल प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर चलने लगी अनलॉफुल एक्ट के अंतर्गत ठीक है यू एक्ट के अंतर्गत इसके अलावा एक चीज़ और समझ लो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल जो हैं इनको यहाँ पे यहाँ पे इनके पास अप्रूवल आ गया अप्रूवल की पावर आ गई अगर आपको कोई पर्सन है जिसके ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगे हैं फॉर यू एक्ट तो अगर उसके आपको असेट्स को यहाँ पे अटैच करना है तो आपको यहाँ पे इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी इनका अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका डी ऑफ एन ठीक है इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर फेडरलिज्म के ऊपर भी इशू था ये क्या इशू था पहले क्या होता था कि डी या ए ए ये जो थे स्टेट पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे स्टेट के रैंक ऑफिसर्स हुआ करते थे तो डी एस पी या ए के ऊपर वाली रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे वही यहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते थे ठीक है टेर्रिज़म के रिगार्डिंग कुछ भी कंडक्ट करना है इन्वेस्टिगेशन तो वो करते थे लेकिन अब टू के अमेंडमेंट के बाद इसको एन के ऑफिसर्स यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे नाउ एन आई इज़ अ बॉडी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो ये जो पावर है वो शिफ्ट हो गई स्टेट से सेंटर की तरफ ओके okay. इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल की डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट कैन बी शेयर्ड विद वेरियस वेस्टर्न एजेंसीज तो यहाँ पे कोई प्राइवेसी का राइट नहीं रहेगा जिसको भी यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है एज अ टेररिस्ट उसकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ट्रांसमिट किया जा सकता है टू फॉरन एजेंसीज ऑल्सो इसके बाद इसमें जो सीजर है सीजर ऑफ प्रॉपर्टीज़ कैन बी कनेक्टेड विद टेररिज्म आल्सो ठीक है और यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट को कुछ ट्रीटीज़ के अंतर्गत डिफाइन किया गया है हालांकि ये भी एलिगेशन लगते हैं कि यहाँ पर बहुत वेग डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि सही नहीं है ठीक है अब यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्ट्स हैं उनको कुछ ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन डिफ़ाइन किया गया है इनमें से कुछ ट्रीटीज़ कौन कौन सी हैं एक तो है कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग दूसरी है कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग हॉस्टेज और तीसरी है कन्वेंशन फ़ॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर तो ये तीन ट्रीटीज थोड़ी सी याद रखना ठीक है एक है 1997 की फिर एक है है 1979 की की और एक है 2005 की. एक 2005 चीज और कि यहाँ पे केसेस जो हैं उनको स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा ट्राई किया जाएगा ओके तो ये पूरा इशू था अब देखो यूएपीए के बारे में आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारा एलिगेशन के ऊपर ये लगते हैं कि इसका मिस बहुत हो रहा है दूसरा यहाँ पे फेडरलिज्म का भी इशू है तीसरा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का भी इशू है क्योंकि यहाँ पे बेल नहीं मिलती आसानी से ठीक है तो ये सारे इशूज इससे रिलेटेड हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की विच इज़ अबाउट इंडियाज़ इंगेजमेंट इन अफगानिस्तान तो देखो आपको मैंने परसों ही शायद एक हमने न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें हमने बात की थी थर्ड रीजनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक बिठाई गई है इसको होस्ट कर रहे हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोपाल जी ठीक है इसमें हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को आसपास की जो कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान के आसपास की कंट्रीज़ नेबर्स एंड एक्सटेंडेड नेबर्स इन सभी को इन्वाइट किया था इस रीजनल काउंसिल में ठीक है हमने यहाँ पे पाकिस्तान चाइना को भी इन्वाइट किया था लेकिन वो लोग नहीं आए ठीक है तो यहाँ पे तीन स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पे देने चाहे हैं हमने बाय होस्टिंग दिस रीजनल सिक्योरिटी काउंसिल ये क्या तीन स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं पहला मैसेज ये है कि इंडिया चाहता है अब सीरियस इंगेजमेंट इन अफ़गानिस्तान इंडिया अपने आप को बे एक इंगेज्ड प्लेयर की तरह दिखाना चाहता है फॉर द फ्यूचर ऑफ़ अफगानिस्तान ठीक है तो इंडिया का यहाँ पे सीरियस इंगेजमेंट है अफ़गानिस्तान में पहली चीज़ दूसरी चीज यहाँ पर यह कि इंडिया एक इंडिया के हिसाब से यूएस नैटो के यहाँ से चले जाने के बाद अब जो पूरा इशू सॉल्व हो सकता है इशू पूरा रिजॉल्व हो सकता है वो सिर्फ एक ही तरीके से रिजॉल्व हो सकता है उसका आइडियल सोल्यूशन एक ही है कि हम जो एक्सटेंडेड नेबर्स हैं या नेबर्स हैं अफगानिस्तान के वो एक कंसेंशियस पे आए ठीक है कंसेंशियस पे आए कि हमको किस तरह से यहाँ पे अफगानिस्तान में काम करना तीसरी है तीसरी चीज़ ये तीसरा मैसेज ये था कि हमारे लिए अब हम सभी नेबर्स के लिए अब ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को यहाँ पर टैकल करना अफगानिस्तान में ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए लिविंग असाइड आर पॉलिटिकल इंटरेस्ट ठीक है तो हमें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर रखना चाहिए इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ठीक है तो ये इसका एग्जाम्पल आपको इससे भी देखने को मिलेगा ये जो थर्ड मैसेज है इसका एग्जाम्पल आपको इससे भी देखने को मिलेगा कि इंडिया कि कितने ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ अभी भी हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहता है फिर भी इंडिया ने इन दोनों को इन्वाइट किया इन थर्ड रीजनल काउंसिल ठीक है हालांकि इन्होंने दोनों ने बन, मना कर दिया अब इसमें पता चलता है कि ये दोनों की क्या मंशा है क्या इंटेंशन है दूसरी चीज़ ये कि इंडिया ने जब ये बोला पाकिस्तान को कि हमको यहाँ पर रोडवेज का थोड़ा सा एक्सेस दे दो सो दैट हम यहाँ पे वीट वगैरह फूड सिक्योरिटी यहाँ पर इंश्योर करने के लिए अफगानिस्तान में कुछ एड पहुँचा सकें तो पाकिस्तान ने उसमें भी मना कर दिया तो आप समझ सकते कि पाकिस्तान का और चाइना का क्या दिमाग चल रहा है पाकिस्तान एंड चाइना का क्या रिस्पॉन्स है इस पर ठीक है आज अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे जो थर्ड रीजनल सिक्योरिटी काउंसिल है यहाँ पे एक डेली डिक्लेरेशन भी साइन हुआ है इस डेली डिक्लेरेशन में हम आगे गए हैं थोड़ा देखो इससे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी अफगानिस्तान का इशू डिस्कस हुआ था लेकिन यहाँ पे बहुत सुपरफिशियल वे में डिस्कस हुआ था इस डेली डिक्लेरेशन के थ्रू हम थोड़ा आगे बढ़े हैं हमने यहाँ पे टेररिज्म की भी बात की है कि टेररिज्म को हमको रोकना होगा टेरर फाइनेंसिंग को रोकना होगा रेडिकलाइजेशन को रोकना होगा और यहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लानी पड़ेगी तो यहाँ पे हमने सीधे तालिबान की जो सॉवरनिटी है उसको यहाँ चैलेंज किया है थ्रू डेली डिक्लेरेशन कि हमको यहाँ पे एक अलग गवर्नमेंट चाहिए इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए ठीक है थेके? अब यहाँ पे देखो ये सब हमने बात की बहुत अच्छी बात है हम यहाँ पे कंसेंशियस की तरफ भी पहुँच रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन आज भी डिफ्रेंसेस देखने को मिलते हैं अमंग ऑल द कंट्रीज जैसे देखो तुर्कमेनिस्तान की मैं बात करूँ तो तुर्कमेनिस्तान जो है वो अभी भी स्ट्रॉगर इंगेजमेंट में लगा हुआ है जैसे कि तुर्कमेनिस्तान का अभी तुर्कमेनिस्तान ने अपना अभी एक मिनिस्टेरियल डेलीगेशन भेजा था अफगानिस्तान में तालिबान से बात करने के लिए उसके बाद उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान के डिप्टी पी एम सॉरी तालिबान के डिप्टी पी उज्बेकिस्तान आए थे और तालिबान उज्बेकिस्तान ने पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ उनका स्वागत किया ट्रेड वगैरह से ट्रांजिट से रिलेटेड यहाँ पर बातचीत भी की इनफैक्ट रेलवे लाइन के रिगार्डिंग भी कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग भी यहाँ पर बातचीत हुई है ठीक है रशिया इन ईरान की देखें तो रशिया इन ईरान भी यहाँ पर पूरी से लगे हुए हैं ठीक है इसके साथ आ, काबुल के साथ ही तालिबान के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने में ठीक है वहाँ पर अभी तक उनकी एम्बसीज बेस्ड है इसके अलावा त्रोइका प्लस इंगेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए त्रोइका प्लस इंगेजमेंट क्या है ये यूएस चाइना रशिया पाकिस्तान ये चार कंट्रीज हैं कौन कौन सी यूएस चाइना रशिया और पाकिस्तान ये चार कंट्रीज़ जो हैं ये चारों कंट्रीज़ इंगेजमेंट कैसा चाहती हैं तालिबान के साथ उसको लेकर यहाँ पे त्रोइिका प्लस इंगेजमेंट है तो ये लोग भी तालिबान रिजाइम के साथ यहाँ पे अब थोड़ा सा इंगेज होने के लिए तैयार है अब ये हमारी बारी है ठीक है टाइम टू बी क्लियर नाउ इट इज़ आर टाइम टू बी क्लियर देखो एक तरफ तो हम यहाँ पे कहते हैं कि तालिबान के साथ हमको यहाँ पे अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने हैं तालिबान को हमको यहाँ पर हम तालिबान के साथ बातचीत भी कर रहे हैं ठीक है ठीके? सभी के सामने हमने करी है तालिबान के साथ बातचीत लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पे इनको वीज़ास नहीं दे रहे वीज़ा सीकर्स को वीज़ा नहीं दे रहे हैं यहाँ पे हम यूमानिटेरियन क्राइसिस की बात तो कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है ठीके? तो अब हमें यहाँ पर एक क्लियर कट यहाँ पर ऑप्शन रखने की ज़रूरत है अब हमें थोड़ी सी रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है अपनी फॉरन पॉलिसी में कि अब हम क्या चाहते हैं ठीक है हम तालिबान के साथ इंगेजमेंट को किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं हम अफगानिस्तान में अपना रोल कैसा चाहते हैं ये हमें डिफाइन करने की जरूरत है नाउ अनडिफाइंड रोल विल नॉट अनडिफाइंड रोल अब काम नहीं करेगा यह पूरा इशू था आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की सीजन ऑफ फ्लड्स तो देखो ये जो है ये छोटा सा आर्टिकल है थोड़ा सा देख लो यहाँ पे बताया गया है कि तमिलनाडु का जो चेन्नई है उसमें कंटीन्यूस वार्निंग्स दी गई थी लास्ट एक दो महीने से हम रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि कंटिन्यूस वार्निंग्स दी गई थी तमिलनाडु चेन्नई केरला वाले रीजन्स में कि यहाँ पर फ्लड आ सकती हैं हमको यहाँ पर तैयार रहना चाहिए गवर्नमेंट को यहाँ पर तैयार रहना चाहिए लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पर फ्लड्स आई और इतनी बुरी फ्लड्स आई हैं कि इतने सारे लोगों को ले गई हैं अपने साथ ठीक है तो आपने भी पढ़ा होगा कई बार हिंदू में हमने बहुत बार डिस्कस भी किया मुलापेरिया डैम को लेकर भी यहाँ पर बात कर कि मुलापेरिया डैम के अभी जो गेट्स हैं उनको नहीं खोला जाए या उसके लेवल को कम किया जाए ये सारी बातचीत हो रही थी कि कि फ्लड्स को जैसे कि हम यहां पे रोक किए लेकिन रोक रोक पाए पाए क्या नहीं रोक पा और इस गवर्नमेंट की भी बताई जा एलिगेशन है, है, है तो ये सारी हैं अब देखो चेन्नई का जो इशू आज के टाइम पर है चेन्नई की जो हालत है वो दिखाती है कि कितनी ज्यादा वनरेबल हैं हमारी सिटीज इनफैक्ट ये तो एक मेट्रोपोलियन सिटी है ठीक है तो ये कितनी वनरेबल है बाकी तो एरियाज की छोड़ी तो वहां पे कनेक्टिविटी के इश्यूज ऑलरेडी हैं लेकिन लेकिन इसमें हर साल का ये रोना है कि यहां पे हर साल नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण यहाँ पे हर साल फ्लड आते हैं तो भी हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं ठीक है तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि टू थाउजेंड फिफ्टीन के जो फ्लड्स आई थी उससे हमको अब सीखने की बारी है ठीक है और देखो ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी कि चेन्नई एक ऐसी सिटी है जो इंडिया के पैराडॉक्स को दिखाती है एक तरफ तो थोड़ी सी बारिश होती है फ्लड्स आ जाते हैं हम फ्लड्स के लिए तैयार नहीं है दूसरी तरफ यहाँ पर ड्रॉट्स भी आ जाते हैं यहाँ पर पानी नहीं मिलता वाटर स्कासिटी का इतना इश्यू हो जाता है तो दोनों ही यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है ठीक है तो ये एक ह्यूमन इंड्यूसड इशू है ओके उसको कैटेलाइज कर रहा है क्लाइमेट चेंज भी ऑल राइट right. अच्छा अब देखो यहाँ पे एक इशू जो है सबसे मेजर इशू है वो है ड्रेनेज का इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन स्पेसिस को श्रिंक किया जा रहा है ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ओवर कॉन्क्रिटाइजेशन हो रहा है जिसके कारण अर्बन हीट आइलैंड का भी फिनमिना बढ़ रहा है ओके सीवेज लाइन्स को यहाँ पे चोक किया जा रहा है ड्रेन्स नहीं है अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई में नेचुरली दो या दो से ज़्यादा रिवर्स फ्लो करती हैं तो ये जो रिवर्स हैं ये फ्लड बफर्स की तरह काम कर सकती हैं अगर कोई ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये उस पानी को यहाँ पे एक्यूमलेट करके अपने अंदर लेने की क्षमता रखती हैं अगर इंक्रोचमेंट ना हो तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतना इंक्रोचमेंट हो रहा है कि ये कैनल्स भी कुछ नहीं कर पा रही ये वाटर बॉडीज़ भी कुछ नहीं कर पा रही ठीक है ये फ्लड कैरियर्स की तरह काम ही नहीं कर पा रही तो यहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है कि हमें अब इंटीग्रेटेड यहाँ पे एफर्ट्स करने की जरूरत है ठीक है वाटर ड्रिन प्रोजेक्ट्स को लेकर फिर हमको यहाँ पे जो हमारा कॉन्क्रिटाइजेशन है उसको कम करने को लेकर ये सारी चीज़ें हमको करने की अभी जरूरत है ठीक है तो ये सारी चीज थी ठीक है अच्छा इसमें जो डंपिंग हो रही है वेस्ट की उसको भी रोकने की जरूरत है सॉलिड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पे करने की जरूरत है ठीक है अच्छा इंडिया की बात करें ओवरऑल तो इंडिया में फ्लड्स आर वेरी कॉमन एज अ डिजास्टर जो नेशनल फ्लड कमीशन है उसके अकॉर्डिंग फोर्टी मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड एरिया इज प्रोन टू फ्लड्स इन इंडिया ठीक है लगभग सिक्सटी परसेंट जो फ्लड डैमेज होता है ये रिवर फ्लड्स के कारण होता है और फोर्टी परसेंट जो डैमेज है रेनफॉल और साइक्लॉन्स के कारण होता है जो कि मेजरली पेनसुलर रीजन में होता है तो ये याद रखना है कि साउथ इंडिया में अगर फ्लड्स आती है ना तो वो मेजरली पेनेंसुलर रिवर्स पेनन्सुलर साइक्लॉन्स के कारण आएगी या तो ठीक है या फिर रेनफॉल के कारण आएगी लेकिन नॉर्थ इंडिया में मोस्टली जो रिवर्स uh, जो फ्लड्स आती हैं वो रिवर बेसेंस के कारण आती है रिवर फ्लड्स होती हैं वो ठीक है तो ये छोटा सा आर्टिकल था जो हमको याद होना चाहिए पता होना चाहिए ठीक है अच्छा एक इशू है रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन तो देखो यहाँ पे टू थाउजेंड सिक्सटीन की बात है जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था ठीक है टू थाउजेंड में ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था ऑन नवंबर एट्थ तो अभी इतने साल हो गए हैं तो अब हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं कि डिमोनीटाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे बोली गई है कि ब्लैक इकानमी के ऊपर क्या असेसमेंट है तो यहाँ पे ऑथर जो है वो बताते हैं जो इंटरव्यू जिनसे लिया गया है वो बताते हैं कि यहाँ पे ब्लैक इकोनॉमी और ब्लैक मनी में डिफरेंस है यहाँ पे चार ऑब्जेक्टिव रखे गए थे डिमोनीटाइजेशन के देखिए क्या ऑब्जेक्टिव थे एक तो था कि ब्लैक मनी को रोकेंगे दूसरा था कि यहाँ पर जो फेक करेंसी का कर जो यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है उसको रोकेंगे करप्शन को रोकेंगे और यहाँ पर एक था कि टेरर फंडिंग को रोकेंगे लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक मनी की बात है वो अलग है ब्लैक इकॉनॉमी अलग है कैसे देखो ब्लैक इकोनॉमी जो है वो ब्रॉडर टर्म है ब्लैक इकोनॉमी में असर्ट्स आते हैं मेजरली और ब्लैक मनी में मेजरली कैश फ्लो आता है ठीक है तो ब्लैक मनी एक ट्रांजिटरी पीरियड के लिए रहती है छोटे पीरियड के लिए होती है लेकिन ब्लैक इकॉनमी जो है ये असेट बेस्ड होती है ठीक है यहाँ पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली चाहे वो अपने नाम पे नहीं खरीदी वो बेनामी हो ये है ब्लैक इकॉनॉमी ठीक है लेकिन वही आपने थोड़ा सा करप्शन किया आपने ब्राइब ली दो हज़ार आपने ब्राइब ली ठीक है आपने कुछ समय के लिए उसको आप अपने जेब में रखोगे उसके बाद उसको या तो खर्च कर दोगे या तो उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे या तो उसकी कोई चीज़ खरीद लोगे ठीक है तो ब्लैक इकॉनमीम जो है वो परमानेंट नेचर की या थोड़ा लंबे टाइम की होती है लेकिन ब्लैक जो है वो ट्रांजिल नेचर की होती है और अगर हम बात करें आज के टाइम पे ब्लैक इकॉमी की हमारी तो ये एक बहुत बड़ा शेयर हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती हैं लगभग ट्वेंटी टू सिक्स परसेंट कुछ स्टडीज बोलती ट्वेंटी कुछ स्टडीज बोलती सिक्सटी भी हमारी जी जो है ये ब्लैक इकानमी में चल रही है इसके अलावा दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किस तरह से यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं आफ्टर डिमोनीटाइजेशन तो हमको ये समझने की जरूरत है कि तब भी और अब भी हमारी इकॉनॉमी मोस्टली कैश बेस्ड है ठीक है कैश बेस्ड इकोनॉमी है कैश बेस्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन होते हैं तो अगर हम यहाँ पे कैश को ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी तो ठप पड़ेगी हम ट्रांजेक्शन करेंगे कैसे जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वो न्यूट्रल रहेंगे लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिनको मार पड़ेगी जिनको जो हिट होंगे वो होंगे एम और इनफॉर्मल सेक्टर क्योंकि यहाँ पर जितना भी पेमेंट जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो कैश पे होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इन पे एम पे इसके बाद ये भी कहा गया है कि आर क्या इसके लिए प्रिपेयर था तो आरबीआई नहीं था इनफैक्ट इनको लगता है कि जितना यहां पे आ, लोग थे थे लोग विद दिस न्यूज ऑफ डीमोनेटाइजेशन उतना ही RBI भी भी था क्योंकि RBI को भी कोई नॉलेज भी नहीं था इसका जितना अभी तक बाहर आया है उसके हिसाब से बता रहे हैं ये इसके बाद क्या कैश कम हो गया सर्कुलेशन में क्या हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ या लेस कैश की तरफ आ गए हैं तो देखो हाँ कैशलेस इकोनॉमी बड़ी है ठीक है हम अभी भी थोड़ा सा डिजिटल चीजों का यूज ज्यादा करते हैं ठीक है ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करते हैं लेकिन अगर हम बात करें कैश की तो कैश जो है सर्कुलेशन में अब और ज्यादा बढ़ गया है जो पहले पांच साल पहले था ना वही कैश सर्कुलेशन उससे ज्यादा है आज की डेट में ठीक है इसके बाद यहाँ पे क्या सही है ये जो 2000 के नोट हम प्रिंट कर रहे हैं 500 के प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग तो लो वैल्यू नोट्स को ज्यादा प्रिंट करना चाहिए उससे ये सारे इशूज टैकल हो सकेंगे ठीक है अगर आप चाहते हो ब्लैक इकोमी खत्म हो करप्शन खत्म हो टेरर फंडिंग खत्म हो तो आप लो लो वैल्यू नोट्स यहाँ पे छापिए ना आप सौ के नाट नोट छापिए आप पांच के नोट छापिए इनफैक्ट आप हज़ार के

जीएसटी का इम्पैक्ट ऐसा था डीमोनेटाइजेशन पे कि अगर जीएसटी पहले आता ना तो ज़्यादा सही रहता डीमोनेटाइजेशन के पहले आता तो क्यों क्योंकि जीएसटी ने यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन की तरफ तो इकानमी को बढ़ाया है लेकिन ये फॉर्मलाइजेशन फोर्सड नहीं है जैसे कि डीमोनेटाइजेशन में था डीमोनेटाइजेशन में हमने एक तरह से फोर्स करके फॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करी लेकिन जी में ये नेचुरल वे में आया ठीक है तो अगर जी एस के पहले आया होता तो आज ये सिचुएशन हम फेस नहीं कर रहे होते इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो एस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें फिफ्टीन टू ट्वेंटी अब कहा कि यहाँ पे सिर्फ फिफ्टीन टू परसेंट ट्वेंटी परसेंट रह गया है इनफॉर्मल सेक्टर जो कि फिफ्टी फिफ्टी टू परसेंट हुआ करता था टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन में ठीक है तो इतना डिप आया है तो ये हमको समझना पड़ेगा कि इनफॉर्मल सेक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेजोरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन वॉज एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर इनफैक्ट अभी अभी भी इनफैक्ट आफ्टर कोविड पेंडेमिक जब इतना मास एक्सोडस हुआ है लेबर्स का उसके बाद भी हमारा जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन का चंक है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है ओके okay, अच्छा एक चीज़ और कि डिमोनीटाइजेशन से कुछ इंपैक्ट ये भी पड़े सोशल इंपैक्ट्स भी पड़े कि जैसे इनइक्वालिटी बढ़ गई जो लार्ज कॉरपोरेट्स थे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा इनफैक्ट उनको बेनिफिट मिला जो छोटे एम एस जो इनफॉर्मल सेक्टर था उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है इसके कारण क्या हुआ कि लार्ज कॉर्पोरेट्स को कुछ समय के लिए तो यहाँ पे गेन हुआ लेकिन ओवर द टाइम तो डिमांड यहाँ पे डिप हो गई ना डिमांड यहाँ पे नीचे गिर गई क्योंकि हाथ में पैसा ही नहीं ना लोगों के जो खर्च करेंगे वो तो यहाँ पे डिमांड गिर गई उसके कारण मार्केट इकोनॉमी में भी यहाँ पे इम्पेक्ट देखने को मिला है इसके ऊपर एक एड ऑन हो गया पेंडेमिक हमारा कोविड के कारण यहां पे और इकोनॉमी नीचे गिर गई ठीक है तो ये भी एक पेंडेमिक भी एड ऑन है उसके अलावा यहां पे एक चीज यहां पे कही गई है कि हम लो लेवल इक्विलिब्रियम में फंस गए हैं ये लो लेवल इक्विलिब्रियम क्या है यहां पे लो लेवल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम यहाँ पे लो लेवल जी पे ही फंस गए हैं ठीक है कि यह हम यहां पे इससे ज्यादा मिडिल इनकम मिडिल इनकम कंट्री से ज्यादा हम कुछ बन ही नहीं पा रहे लो इनकम कंट्री से ज्यादा हम कुछ यहां पे बन ही नहीं पा रहे ठीक है ये यह चीज यहां पे बताई गई है थ्रू दिस थिंग ठीक है तो यहाँ पे ये यह कहा गया है कि हम यहाँ पे एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं जहां इन सेक्टर को बाउंस बैक कराना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है हमारे लिए ठीक है इसके बाद ये भी कहा गया है कि टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ा तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है उन्होंने भी टेरर टेरिस ने भी अपना जो कैश है उसको एक्सचेंज कर लिया है तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखने को नहीं मिलता उसके अलावा फेक करेंसी के रिगार्डिंग भी डाटा आया था लेकिन वो बहुत अनरियलिस्टिक सा डाटा लगता है बहुत वर्चुअल सा डाटा लगता है इसके बाद करप्शन की बात करें तो देखो करप्शन यहाँ पे हम हमारी कोशिश थी कि हम करप्शन को कम करें लेकिन यहाँ पे देखा गया कि डीमोनेटाइजेशन के बाद करप्शन इनफैक्ट बढ़ गया है और अब ज़्यादा हो रहा है ऑन अ लार्जर स्केल यहाँ पे करप्शन हो पा रहा है ठीक है अब्रॉड में ट्रांसफर्स हो रहे हैं और आपने पढ़ा होगा पेंडोरा पेपर्स के बारे में उसमें भी आपको समझ आ ही गया होगा तो क्या लेसन हमने सीखे तो देखो डीमोनेटाइजेशन हमने सबसे बड़ा लेसन जो सीखा वो ये कि जब भी हमको ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेने हैं इतने बड़े मैग्नीट्यूड के स्टेप्स लेने हैं तो हमको यहाँ पर होमवर्क करके आना चाहिए ठीक है हमको अपने जितने भी क्रिटिकल रोल्स प्ले करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूशन है उनको यहां पे तैयार करके आना चाहिए जैसे कि इस केस में थी आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया कोई कहाँ कुछ पता चला कि कहाँ पे इतना बड़ा करप्शन हुआ है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी रेडी नहीं था तो इनको यहाँ पे इनको रेडी करके आना चाहिए था होमवर्क करके आना चाहिए था तो ये चीज़ कही गई है कि आगे हम जब भी ऐसे बोल्ड स्टेप्स लें तो हम कोशिश करें कि हम इन चीज़ों को इंश्योर कर पाएं कि हम यहाँ पे पूरा यहाँ पे पहले से प्रिपेयर हो हमारे इंस्टीट्यूशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर हो फॉर टेकिंग अप दिस बोल्ड स्टेप ओके आगे बात करते हैं देखो बेलारूस थ्रेटन्स टू कट गैस टू यूरोप तो देखो बेलारूस जो है बेलारूस और यूरोपियन यूनियन यानी कि पोलैंड देख लो लिथुआनिया होगा ये जो है ये यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं इनके और बेलारूस के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं रिगार्डिंग माइग्रेंट्स तो यहाँ पे ई जो है कंटिन्यूसली बेलारूस के ऊपर सेंक्शन लगा रहा है तो बेलारूस ने भड़क के ये कहा है कि अब हमारे ऊपर सेंक्शन लगे ना तो हम नेचुरल गैस का जो पाइपलाइन है जिसके थ्रू ई में यहाँ पे नेचुरल गैस जाती है उसको ही यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे ठीक है तो ये चीज़ कही गई है अब देखो पहले देखो तो देखो यहाँ पे ये है पोलैंड ठीक है ये है यहाँ पे ऊपर लिथुआनिया ठीक है और ये है बेलारूस ओके तो ये है बेलारूस अब ये बेलारूस और ये जो बेलारूस है ये नॉन ईयू कंट्री है ईयू के मेंबर नहीं है और जो पोलैंड है लिथुआनिया है ये ईयू के मेंबर्स हैं ठीक है तो यहाँ पे पूरा कुल मिला के जो इशू है वो ईयू और बेलारूस के बीच में है अब देखो इशू क्या है तो देखो यहाँ पे माइग्रेंट क्राइसिस है अब जो बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं वो वेस्ट एशिया से निकलकर कर यहाँ जा रहे हैं बेलारूस में ईयू में यहाँ पे जा रहे हैं मेजरली अफगानिस्तान से हैं कुछ सीरिया से हैं ठीक है तो ये सारे जो माइग्रेंट्स हैं ये अभी अटके हुए हैं बेलारूस और ईयू की बॉर्डर्स पे जहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक वेदर कंडीशन हैं बहुत ही चिलिंग इन्वयमेंट है अभी वहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर ये क्यों अटके हुए हैं देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि पोलैंड में अभी बेलारूस में क्या हुआ पहले ये समझो बेलारूस में अभी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो इलेक्ट होके आए आए हैं वो जो हैं ये सॉरी जो प्रेसिडेंट हैं वो जो इलेक्ट होके आए हैं वो बहुत माना जा रहा है कि फ्रॉडुलेंट तरीके से इलेक्ट हो के आए हैं और यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो हैं वो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये हम इनको अपना लीडर नहीं मानते बेलारूस के जो भी लीडर है जिनका नाम क्या है लुका इनका नाम है ठीक है तो इन्होंने क्या किया ये एक्टिविस्ट थे इनके इनको सप्रेस करने के लिए इनको यहाँ से निकाल दिया गया इनके ऊपर सेंक्शन गई पहला रूस ने इनके ऊपर सेंशन लगा दिए तो ये सारे एक्टिविस्ट कहां गए भाग के पोलैंड गए ठीक है पोलैंड जो इनकी जस्ट नेबरिंग कंट्री है तो पोलैंड ने इनको शरण दी एज ए रेफ्यूजी इनको असाइलम दिया इसके अलावा इन्होंने ये भी किया कि आप यहाँ से पोलैंड से बैठे बैठे यहाँ पे बेलारूस के जो लीडर हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पे एक्टिविट, एक्टिविटीज कर सकते हो प्रोटेस्ट कर सकते हो बेसिकली ये तो उसका यहाँ पे पोलैंड ये कह रहा है कि उसका बदला ले रहा है अब बेलारूस क्या कर रहा है बेलारूस बेलारूस पहले तो अपने यहाँ पे एंट्री दे रहा है माइग्रेंट्स को और उनको एक तरह से पुश कर रहा है है टूवर्ड्स पोलैंड एंड ईयू ठीक है तो यहां पे बेलारूस जो है वो पोलैंड और ईयू की तरफ पुश कर रहा है इन माइग्रेंट्स को सो दैट यहां पे माइग्रेंट इश्यूज क्रिएट हो और यहां पे जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए इन ईयू ठीक है तो ये बेसिकली हो रहा है अब देखो पोलैंड जो ईयू है ओवरऑल ईयू ने भी सेंशनस लगा के रखे हुए हैं बेलारूस के ऊपर क्योंकि उनका मानना है ईयू का मानना है कि बेलारूस के जो लीडर है वो गलत तरीके से यहाँ पे चुन के आए हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चुन के आए इसलिए इन्होंने इसके ऊपर सेंक्शन लगा के रखे लेकिन यहाँ पे बेलारूस ने रिटेलिएशन में क्या किया बेलारूस रिटेलिएशन में क्या कर रहा है लीगल तरीके से अपने यहाँ पे माइग्रेंट्स को ले रहा है और यहाँ पे ईयू की कंट्रीज़ में भेज रहा है स्पेशली पोलैंड की कंट्री पोलैंड में भेज रहा है इन माइग्रेंट्स को हालांकि पोलैंड भी यहाँ पे वो कोशिश कर रहा है कि उन्होंने पंद्रह हज़ार ट्रूप्स को यहाँ पे लगा दिया है कि यहाँ पे आप बफर तरह एक्ट करो और देखो पोलैंड के लिए इतना सेंसिटिव मैटर क्यों है क्योंकि जो पोलैंड पोलैंड की रूलिंग पार्टी है ना वो राइटिस्ट है ठीक है और ये बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल एंड टूवर्ड्स माइग्रेंट इशू ठीक है तो इनके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इनके ऊपर अभी ये जो माइग्रेंट इशू है ये इनको बहुत अच्छे से मिल गया है मतलब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है ये रूलिंग पार्टी भी क्योंकि इनको ये माइग्रेंट इश्यूज वाला जो इशू है वो मिल गया है तो यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बिल्कुल अपने देश में एक अपनी गुडविल बनाना चाहती है कि देखो हम माइग्रेंट इशूज़ के अगेंस्ट कितना ज़्यादा खड़ा हो रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर पोलैंड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो माइग्रेंट्स को यहाँ पर रोके नहीं तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो गिर भी सकती है ठीक है अब इसके जियो पोलिटिकल क्या है तो जियो पोलिटिकल रेमिफिकेशन ये है कि यहां पे इन्वॉल्व हो गया है अब रशिया ठीक है रशिया कैसे इन्वॉल्व हो गया है रशिया इन्वॉल्व हुआ है बेलारूस की साइड से रशिया ने यहाँ पे मिलिट्री के कुछ इक्विपमेंट यहाँ पे इंगेज कर दिए हैं पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी बॉर्डर एरियाज़ में बेलारूस की और एक तरह से ये क्लियर कर दिया है यू को कि बेलारूस के पीछे रशिया खड़ा है ठीक है अब रशिया क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है तो हो सकता है यूएस भी आगे इन्वॉल्व हो जाए ईयू के यहाँ पे सपोर्ट में क्योंकि ईयू के कुछ मेंबर्स नाटो के भी मेंबर्स हैं ठीक है तो ये भी हो सकता है तो यहाँ पे कुल मिला के अब जो पूरा इशू है वो माइग्रेंट्स को के ऊपर छोड़ के अब ये एक जियो पोलिटिकल इशू हो गया है

honesty, courage, न्यूट्रलिटी डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस ये सारी जो थी ये ये सारी फाउंडेशनल वैल्यूज़ जनरली सिविल सर्वेंट्स में होनी चाहिए अब देखो इसको मैं एक एक को डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ियों को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ हाँ ये मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग अपने कॉमेंट सेक्शन ज़रूर देखना इसमें आपको बहुत अच्छे कॉमेंट्स भी मिलेंगे और आपको अपने आपके अपने जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सुधारने का मौका भी मिलेगा मतलब जैसे मैं आपसे पूछूँगी आप में सिविल सर्वेंट्स की कौन सी क्वालिटी है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझ में ऑब्जेक्टिविटी है या न्यूट्रलिटी है बस खत्म नहीं हो गया आंसर आपको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे ठीक है तो ये चीज़ें आप इस कॉमेंट सेक्शन से देख सकते हो परसों का था ये कॉमेंट सेक्शन में आप देखना फिफ्टी प्लस कॉमेंट्स में बहुत ही बढ़िया वहाँ पे कॉमेंट्स मिले मुझे मैं वहाँ पे पर्सनली वहाँ पे एक एक को कॉमेंट बैक करूंगी क्योंकि तो यहाँ पे इतने सारे कॉमेंट्स लेना पॉसिबल नहीं है ठीक है तो आप लोग उसको एक बार जरूर देखिएगा सो so, आज के लिए इतना ही था दैट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग